वेलकम बैक टू माई चैनल ब्लश एंड ग्लो। होप कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। सो आफ्टर सो लॉन्ग आई एम व्लॉगिंग टुडे। बहुत ज़्यादा काफ़ी दिन हो गया कुछ व्लॉग करने को था नहीं, हमने आज व्लॉग करते हैं क्योंकि आज थोड़े से मेरे प्लान्स हैं, हमें बाहर जाना है। सो मतलब कुछ तो है आप लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास। सो आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने, अब तक डिसाइड नहीं किया है कहाँ जा रहे हैं, बट कहीं जा रहे हैं। सो और सना यहाँ पे बैठी है, अभी रेडी न्यू हुई है, और अभी हम भी कुछ रेडी न्यू है, अभी हम बस फ्रेश हुए हैं, और यहाँ पे बच्चे भी पढ़ने आए हैं। सना भी यहाँ बच्चों को पढ़ाती है, से हाय हाय हाय। सो अभी हम लोग रेडी होंगे, उसके बाद निकलेंगे। क्या कर रहे हो है? हाँ भैया, सर्दी लगने लगी है ना, विंटर वाइब्स, विंटर वाइब्स। सिम्बा को आप लोगों ने मिस किया कि नहीं मिस किया बताइएगा। सो ये देख रहे हैं इसको ना, थोड़ी सी यहाँ पे रुक जाओ भैया, यहाँ पे फंगस हो गई थी, अभी बेटर हो रही है, कुछ टाइम से ठीक हो रही है, इसके यहाँ पे बाल भी निकलने लगे हैं। सो माशाल्लाह ठीक होने लग गया है। तिम्बू सबको हेलो बोलो, बोलो हेलो, कितना गुशी हो, गुशी हो, गुशी हो, गुशी हो कि नहीं गुशी हो? गुस्सा है मेरा भैया, गुस्सा है। अच्छा ठीक है, टैप 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 टैप। जाएं हम, जाएं तो। अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी हम सोचे, हमने ना सिम्बू की एक बास्केट ऑर्डर करी थी, केज टाइप का ये, जिसमें कि अभी हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं सिम्बू और हम, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने होगी और सिम्बू के लिए, उसको ले जाने के लिए। और सिम्बू को देखिए कैसे सो रहा है, बिल्कुल फैला हुआ है। अब जैसे जैसे ठंड आ रही है ना, ये ज़मीन पर सोता है, बट अब ठंड आ रही है, विंटर का टाइम है, तो ये ऊपर ही बिस्तर पे ही सोएगा, ओढ़ता नहीं है बट बिस्तर पे ही रहता है, जैसे नीचे से गर्म रहे। सो इसके हम बास्केट आप लोगों को दिखाना चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छी हमको लग रही, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, अमेजोन से हमने ऑर्डर करी थी। अगर आप लोगों को चाहिए तो लिंक डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, तो चेक कर दीजिएगा। अभी हम आपको इसको दिखाते हैं। सो ये है इसकी बास्केट, आई थिंक ये बिल है इसका। ये बास्केट है सिम्बू की, बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन भी है, वैसे भी काफ़ी स्टर्डी स्ट्रॉन्ग लग रही है, बट इसका ये जो लॉक है ये थोड़ा सा हमको फ्लेकी, सॉरी मतलब थोड़ा सा फ्लेंजी और अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। सो खैर ये ऐसे ओपन होती है, इसको इसे पुश करके अंदर से। सिम्बू जाओगे इसके अंदर, देखो क्या है, सिम्बू जाओ इसमें, आओ देखो क्या है ये। सिम्बू तो किसी भी बॉक्स, बिल्ली बॉक्स में बैठती है, कोई बॉक्स में नहीं बैठता है, इसको कोई बॉक्स बॉक्स पसंद नहीं है ज़्यादा। सो इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, इसमें आराम से इजीली हमको लगता है कि इसमें ये खड़ा हो जाएगा साइड में, अंदर खड़ा, अब अगर खड़ा होना चाहे तो। सो ये बास्केट, सो आई ऑर्डर सम प्रोडक्ट फ्रॉम मिंत्रा, सॉरी नायका, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, कि हमने एक जिशान ने हमको डायसन गिफ्ट किया है, सो उसके लिए हम, मेरे हेयर थोड़े से सॉफ्ट और सिल्की हैं, तो उसमें ना कर्ल जो है वो रुकता नहीं है जब करते हैं, तो उसके लिए हमने होल मूज मंगाया है। सो ये वेला का था, इसका हमने रिव्यू देखा था, काफ़ी अच्छा था। सो एक ये मंगाया, जब यूज़ करेंगे तो अभी हम यूज़ करने भी वाले हैं इसको, सो बताएंगे आप लोगों के साथ, इसका रिव्यू शेयर करेंगे। और ये एम कैफीन का स्क्रब हमने ऑर्डर किया था, जो कि हमको सैम्पल साइज में फ्री मिला था, हमने उसको यूज़ किया। अरे अल्लाह, अरे भाई, अरे भाई, हमको, हमने नायका से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, तो उसके साथ इसमें ना एम कैफिन का स्क्रब और फेस वॉश हमको फ्री मिला था सैम्पल साइज़ का, क्योंकि हमने यूज़ किया तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो हमने इसका फुल साइज़ का स्क्रब मंगाया, फेस वॉश तो नहीं मंगाया, स्क्रब मंगाया। बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा माइल्ड स्क्रब है, ये एक ही ऑर्डर किया था, बाकी ये बॉडी वॉश तो अपना नॉर्मल इसको यूज़ करते हैं, मंथली मंगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये इतना बड़ा साइज़ का हमने पहली बार मंगाया है, लेकिन ये बॉडी वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। इसका जो 250 ml का आता है वो कुछ 135 rupees का आता है।
का अभी हमने ये बड़ा मंगाया है, और ये एक हमने हीट प्रोटेक्टेंट मंगाया है बी ब्लेंड का हॉट शॉट। सो इसका प्राइस है 650, लेकिन 650 भी मिला हुआ ना है कमी को। सो ये मंगाया है, इसको भी आज हम यूज़ करेंगे, अभी तक यूज़ नहीं किया है। सो ये था, और एक है ये काम आयुर्वेदा का भृंगा दी इंटेंसिव हेयर ट्रीटमेंट, जो कि हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को वीडियो में कई बार इसके बारे में बता भी चुके हैं। सो ये इसकी अब की बार हमने बहुत इसका लार्ज साइज मंगा लिया है, क्योंकि विंटर्स आ गए हैं, बाल बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ड्राई हो जाते हैं, तो इसको फ्रिक्वेंटली हम लगाएंगे ऑयल को। समर में हम 6 वीकली लगाते हैं संडे, तो अभी इसको ट्वाइस अ वीक या फिर थ्राइस अ वीक लगाएंगे। सो ये सब प्रोडक्ट मंगाए थे, और ये लास्ट प्रोडक्ट था, अभी 3 प्रोडक्ट मेरे बाकी हैं, जिसमें कि एक हेयर सीरम मंगाया है हमने, और एक कंडीशनर, और शैम्पू हमने इसमें दिखाया नहीं, डव शैम्पू है जो हम यूज़ करते हैं। सो हम कुछ और नया शैम्पू ट्राई करना चाहते हैं, बट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। सो एक कंडीशनर भी बाकी है और हेयर सीरम उसके साथ, इसके साथ हमको एक शैम्पू भी फ्री मिला है 50 ml का, तो वो भी अभी आना बाकी है। और नायका पे भी काफ़ी अच्छी सेल चल रही है, जो कि आप लोग जाके देख सकते हैं, सारे प्रोडक्ट के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। सो अभी यहाँ पे चल रही है गर्ल्स की बेसिक प्रॉब्लम कि क्या पहने। सो भी हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं क्या पहने, हमने कुछ एक बेसिक सा लोअर और टी शर्ट सोचा है, और उस पर पिंक कलर की शूज़। सो ये अभी तक डिसाइड किया है, बट समझ में नहीं आ रहा है कैसे पहने कि नहीं पहने। सो अभी तक तो यही ब्लैक कलर का इधर ये लोवर रखा है, ये टी शर्ट रखी है, ये ऊपर से एक श्रग है। सो अभी थोड़ा सा विंटर का टाइम है, आते आते शाम हो जाएगी, सो इसलिए एक जैकेट रख ली हमने, मतलब इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं है, लेकिन मतलब जैकेट भी बहुत ज़्यादा वैसी नहीं है, श्रग टाइप का है। सो वो अभी तक हमने डिसाइड नहीं कर पाने कि क्या पहनेंगे, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। मेरा मन है कि कंफर्टेबल ही कुछ लोअर टाइप का पहन के जाएं। सो पहनेंगे तो हम लोअर ही, बट उसके ऊपर टी शर्ट या टॉप क्या पहनते हैं। सो अभी जब रेडी हो जाएंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे क्या पहनते हैं। सो अभी हमने मेकअप भी नहीं किया है, थोड़ा सा लाइट, बहुत लाइट मेकअप करेंगे आज हम, और बस निकलेंगे, बहुत कम्फर्टेबल होके जाएंगे आज। So I am ready, makeup done, hair is done, Dyson से hair style की है हमने, blow dry किया ऐसे, और dress भी complete है, ये lower, t-shirt और ऊपर से एक shrug डालेंगे ये भी के जैसी, और ये shoes भी पहने हुए, shoes these are my shoes, lower, हम काफ़ी कंफर्टेबल होके जा रहे हैं, तो घूमेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉक होगी वहाँ, तो बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हमने वही दोनों मूव्स ट्राई किए हैं, और हीट प्रोटेक्टिंग का तो क्या ही बताएंगे, पर मूव्स का हम बता सकते हैं कि कितने टाइम उसने होल्ड किया। सो अभी 2 बजे हमने उसको किया है, सो देखते हैं कितनी देर के लिए वो होल्ड करता है मेरे बालों को। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं नेचुरल, और मेकअप भी हमने कर लिया है थोड़ा सा आईज पे, और बाकी लिप्स, थोड़ा सा चीक्स, टाइम डन, बस अब ये लोग रेडी हो जाएं भाभी और सना, तो फिर हम लोग निकलेंगे। ओके अभी फिर हम कैब करेंगे, फिर जल्दी से निकल जाएंगे।
ही बाल ही पितराया करती हूँ, फिर ही हमारा बाल भी आएगा। बाल की बात बताना भूल गया, बाबी के बाल देख के ना वो जो गार्ड थी। मेरा फेवरेट नायका, पर हम यहाँ नहीं जाएंगे, लोगों ने मेरी बेइज्जती करी थी, हम नहीं जा सकते यहाँ पे। ये मॉल वाले, इन्होंने कहा था कैमरा बंद करिए, कैमरा लाओ। फोटो शूट चल रहा है वहाँ पे, शॉपर स्टॉप में अभी हम लोग। यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, पर ऑफर कुछ ज़्यादा अच्छे है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रील्स भी बना दो कम से कम, बना देंगे रील्स भी तो बनानी है मुझे। यस हाथी जब ही जाएगा, इंज बैठ गई तो ये मेरी बहना है एरम अप्पी, जो बहुत ही स्टाइल मार रही है। यहाँ पे केक मिल रहा है, मेरा जन्मदिन आएगा तो हम लोग यहीं आएंगे केक काटने। कहाँ है शक्ल तुम्हारी? हाँ देख के, अभी हम लोग फूड कोर्ट जा रहे हैं आई थिंक इस वाले पे फूड कोर्ट। यस, हम लोग फूड कोर्ट जा रहे हैं, कुछ खाएंगे क्योंकि हम लोग कुछ खा के आए नहीं थे, भूखे भूखे चले आए थे। शायद तुमने कुछ खाया था क्या? शायद सभी लोग भी मेरी डायमंड रिंग लिया। यहाँ पे एक है बिग चिल, पर बिग चिल है, बट अभी हम लोग फूड कोर्ट जा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हम लोग को लगी है भूख बहुत तेज, इसलिए कुछ खाएंगे वहाँ पे, फिर उसके बाद वहाँ पे खेलेंगे, फिर आएंगे, फिर थोड़ा सा वॉक करेंगे क्योंकि रेस्ट भी हो जाएगा, बहुत बड़ा है, इतना ज़्यादा नहीं एक बार में वॉक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो जाती है। खाया भी कुछ नहीं है तो खूब ज़्यादा खाने भी वाले हैं, हम काफ़ी कुछ सोच के आए खाने के लिए। और फिर यहाँ पर प्ले ग्रुप भी है ऊपर किड्स का, ऊपर बिल्कुल बहुत अच्छा, वहाँ पर हम लोग गेम भी खेलने वाले हैं। सो हम लोग घर से ही डिसाइड करके आए थे कि आज गेम ज़रूर खेलेंगे वहाँ पर, सो गेम खेलेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। ये फूड कोर्ट है, काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे हम लोग गेम खेलने वाले हैं फैमिलीज में यहाँ पे, और यहाँ पे है फूड कोर्ट, यहाँ से अभी सब लोग लेंगे कुछ कुछ और फिर खाएंगे तो आप लोगों को दिखाते हैं। अभी हम जाएँ ऑर्डर करने मिल्क शेक एंड कोसे, इनका लास्ट टाइम शेक हमने पिया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था हमें, सो अभी भी हम वहीं जा रहे हैं ऑर्डर करने। पहले इनका मेन्यू लाएंगे, देखेंगे फिर उसमें देखते हैं क्या लेते हैं। सो आई ऑर्डर चिकन चीज़ कुरकुरे मोमोज, गाना बंद करो, और स्प्रिंग रोल और शेक, कौन सा सॉल्ट एंड पता नहीं, द लेजेंड, द लेजेंड करके कुछ शेक है, दो शेक ऑर्डर किए हम लोगों ने। और नहीं चीज़ ब्लूबेरी चीज़ केक ऑर्डर किया है, सो अभी आ रहा है, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ बैठ के, जब तक वेट करेंगे तब तक हम सोचा आप लोगों को बता देते हैं। सो उसके बाद अभी हम लोग खाने के बाद गेम भी खेलेंगे, सब लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। खाएंगे अभी हम लोग ने कुछ डिफरेंट ऑर्डर किया है क्योंकि लास्ट टाइम तो काफ़ी अच्छा था, तो और नई चीज़ ट्राई कर लेते हैं, सब लोग ने कुछ नया ट्राई करने के लिए अलग अलग भी। अगर ये दो चीज़ ऑर्डर करिए, अगर और कुछ खाने का मन करेगा तो उसके बाद पेट में जला रहती है और ऑर्डर करेंगे। मेरा मन है पिज़्ज़ा खाने का, तो फिर यहाँ पर डोमिनोज भी है, वहाँ से पिज़्ज़ा भी ले सकते हैं बाद में। यहाँ पे शेक आ गए हैं,
यहाँ पे चीज़ एंड मेरा क्यों पी रही हो तुम? हम देखना चाहते हैं खाना मान लिया है। देखें हम अपना पी के अपने आप दिखाएंगे। ऐसे थोड़ी होता रुको तब तुम्हारा पियेंगे। मेरा टेस्ट करके बता दें। ये तो अच्छा था ही। चीज केक और ना बहुत अच्छा। आपको ही बताना होगा कैसा है। कैसा लगा आपको? कुरकुरे चीज एंड चिकन मोमोज देन दिस स्प्रिंग रोल चिकन स्प्रिंग रोल बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। बहुत ज़्यादा ना लुक एट दिस ओ माय गॉड लुक एट द कलर। सो भी हम लोग ने पेट पूजा कर ली है। अब जा रहे हैं हम लोग थोड़ा तनिष्क के साइड पे, देखते हैं वहाँ पे कुछ अच्छा लगता है। तो तनिष्क के स्टोर जा रहे हैं। मोमोज बहुत ज़्यादा टेस्टी था। स्प्रिंग रोल तो और भी ज़्यादा टेस्टी था। स्प्रिंग रोल थोड़ा स्पाइसी था बट टेस्टी था। और मोमोज बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे कुछ भी खाते हैं सब अच्छा ही रहता है। मतलब अच्छा ही लगता है, सब चीज़ अच्छी है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है बट ठीक है, अच्छा रहता है। मतलब टेस्ट अच्छा रहता है तो लगता है कि हाँ ठीक है। सो अभी हम तनिष्क के साइड जा रहे हैं। तनिष्क की तरफ मिल जाए स्टोर तो फिर देखते हैं वहाँ से कुछ समझ में आता है तो लेंगे। तनिष्क से आ गए हम लोग, ने कुछ ऑर्डर किया है। वहाँ पे भी बिलिंग में भी टाइम लग रहा है। ऊपर से आज धनतेरस है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत क्राउड, बहुत लोग सब कुछ न्यूज ले रहे, तो वहाँ पर काफ़ी रश है। सो मुश्किल से हम लोगों ने ले तो लिया है। और उसके बाद अभी बिलिंग काउंटर पे भी हम लोगों को टोकन मिला है 4 नंबर। सो अभी जब हो जाएगा, अभी 10 मिनट बाद बोला है आने के लिए, तो 10 मिनट बाद जब हम जाएंगे तो तब हमें बिलिंग होएगी, फिर जाएंगे। और अब तो हम लोग को मुश्किल लग रहा है, 6 बज गए हैं, अभी हम लोग जा नहीं पाए, वो नहीं जा कर पाएंगे क्या, गेम नहीं खेल पाएंगे, फिर मिस हो जाएगा दूसरी बार हम लोगों का। तो माफ नहीं करो, तो अब हम लोग गेम ही नहीं खेल पाएंगे, सैड। बट देर हो गई, अब क्या करें, अभी यहाँ से इतना दूर है। तो अब क्या बोल रहे थे हम लड़ने, हम ये कह रहे थे कि अब हम लोग गेम नहीं खेल पाएंगे, अभी तनिष्क से 6 बज गए, अभी जाने में भी घर भी बहुत दूर है तो टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो चलिए अभी जब फिर जब निकलेंगे तो फिर बताते हैं। अभी हम लोग पूरा मॉल घूम चुके हैं, देर हो गई, अंधेरा होने लगा है। सो अब हम लोग बस घर के लिए निकल रहे थे, तो यहाँ पे म्यूजिक फाउंटेन स्टार्ट हो चुका है।